उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला ने अपने ससुर और पति के ऊपर देह व्यापार कराने व दो बार गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बघोली थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली एक महिला अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के पास पहुंची। महिला का आरोप है कि उसकी शादी 8 वर्ष पहले शाहजहांपुर के सेहरा मऊ थाना इलाके के मिर्गापुर गांव से हुई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति व उसका ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके मायके से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हैं। महिला का कहना है कि उसकी 4 साल की एक बेटी भी है। उसके पति और ससुर उससे जबरदस्ती देह व्यापार करवाते हैं और उसके पति ने 2 बार जबरदस्ती उसका गर्भपात भी करवा दिया है। महिला का कहना है कि वह अपने ससुरालियों से परेशान होकर भय और आतंक के कारण अपनी जान बचाकर ससुराल से भागकर अपने मायके आ गई है, परंतु उसके ससुराल वाले लगातार उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में जांच और कार्यवाही के निर्देश पुलिस को दे दिए गए हैं। जबरदस्ती गंदा व्यापार कभी करवाते हैं। कौन करवाता है? सास ससुर आदमी मारते भी हैं, कहते हैं पैसे लाओ, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी ला के दो, यही सब बताते हैं। हमें मारा भी, हम वहाँ से भाग आए डर की वजह से, जैसे जैसे करके निकल आए। मारा 2 बार, गर्भवती भी गिरा दिया। महिला द्वारा ये थाना बघौली क्षेत्र के हैं, इनकी शादी शाहजहांपुर में हुई है और 8 वर्ष पूर्व शादी हुई। अब इन्होंने एक आरोप लगाया है कि इनके पति और ससुर इनसे डांस करवाने के लिए कहते हैं, पैसा कमाने के लिए कहते हैं और देह व्यापार के लिए कहते हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र भेजा गया है, शीघ्र इसमें जाँच कर ली जाएगी और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।